नमस्कार, मैं नीति सैन, आप देख रहे हैं असल न्यूज। हाईवे पर हुई लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए अलीपुर थाना पुलिस ने नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने ISBT से पानीपत जाने वाले व्यक्ति के साथ नेशनल हाईवे 44 पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीपुर थाने में और अलीपुर थाना पुलिस ने कुछ ही घंटों में एक रोबरी की गुत्थी को सुलझाया है। आपको बता दें ISBT से ये लोग महिंद्रा SUV में सवारियों को बैठाते हैं कि दिल्ली से आपको पानीपत छोड़ा जाएगा और उसमें 200 रुपये जो है सवारी ली जाती है। लेकिन इस दौरान इन युवकों ने एक नाबालिग के साथ मिलकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक सवारी से इन्होंने एक लैपटॉप, 15,000 रुपये व उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, जिसके बाद आरोपियों ने उसको नेशनल हाईवे 44 पर अलीपुर थाने के आसपास छोड़ दिया। जिसके बाद इस मामले की पूरी जानकारी अलीपुर थाना पुलिस को दी गई। अलीपुर थाना पुलिस ने आनन फानन में ही कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को कुछ ही घंटों में धर दबोचा। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अलीपुर थाना पुलिस ने करीब 100 से अधिक CCTV कैमरों को खंगाला है। आपको बता दें लगातार इस तरह की वारदातें आम हो चुकी है, क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों के साथ अक्सर लूटपाट की वारदातें राजधानी दिल्ली में होती रहती हैं। लेकिन इसी के चलते अलीपुर थाना पुलिस ने कुछ ही घंटे में इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इन आरोपियों के साथ एक नाबालिग भी है, जिसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। ये तीनों नाबालिग जो आरोपी हैं वो बुराड़ी इलाके के रहने वाले हैं और इस तरह की पहले भी कई वारदातें अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।